इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करूंगा ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगा बस आप मेरे साथ आपको मेहनत करना है अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करना है चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेसन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट डिफरेंट सरफेस इसके अंदर वेरी शॉर्ट राइट द मिरर फॉर्मूला सेकेंड कंप्लीट द डायग्राम एंड ड्रॉ द इमेज होगा राइट एनी टू यूजेस यूज मिर शॉर्ट में देखिए फोर्थ वाला वॉट डू यू इन्फो फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट

list the material required for conducting an experiment to find the focal length of a concave mirror explain the experimental process state difference between convex and concave mirror the magnification of the image formed by the spherical mirror is m is equal to minus 1.25 based on this information answer the following question which kind of the mirror form such image write the रेक्टरिस्टिक ऑफ द इमेज इफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट टू सेंटीमीटर देन वॉट साइज ऑफ द इमेज वो राइट ए पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस और इस चैप्टर इस लेसन से आने वाले ऑब्जेक्टिव देखिए फर्स्ट कॉन्क् मिररर इज यूज एज शेविंग मिररर फोकसिंग मिररर रियलवी मिररर वेहीकल हेड लाइट रिफ्लेक्टर द फिगर शो न फिगर क्या बता रहा मिररर इज कॉन्वैेक्स मिररर इज कॉन्क्व इट फॉर्म वेरिशल इमेज इट फॉर्म रियल इमेज तो इसके आंसर्स एंड टू करेक्ट है या वन एंड थ्री करेक्ट है टू एइट थ्री करेक्ट है टू एंट फोर करेक्ट है द मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज वन फॉर द फॉलोइंग मिरर कॉन्वेक्स मिररर कॉन्कीो मिररर प्लेन मिररर नॉन ऑफ दिस ए स्टूडेंट ऑप्टेन ए ब्लर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन बाई यूजिंग ए concave mirror in order to obtain a sharp image on the screen he will have to shift the mirror towards the screen away from the screen far away from the screen either away from the towards the screen depending upon the position of the object the magnification of an object placed at a distance of 6 cm from the concave mirror is -3 is mean the image is formed at the distance of 2 cm in front of the mirror the image is formed at the distance 2 centimeter from the mirror. The image is formed at the distance 18 cm from the mirror, front of the mirror. The image is formed at the distance of 18 centimeter from the mirror. Yeah, Next, a mirror always form an erected, diminished and virtual image for an object placed at the different position. The observation not by the student are as follows. मैग्निफिकेशन ऑफ दट इमेज इज ऑलवेज लेस देन एम लेस देन दिर कैन बी यूज ए रियर दब्जर्वेशन आर वन टू वन थ्री एड करते हैं फर्स्ट केमिकल इक्वेशन इस वेरी शॉर्ट वॉट आर द रियक्टेड एंड प्रोडक्ट से होगा बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन ए एल प्लस एफ ई टू ओ थ्री

सोल्यूशन कॉन्टेनिंग सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन पॉवर ट्वेंटी टू फॉर्मूला यूनिट ऑफ सी यूलू टू कैलकुलेट द मोल्स ऑफ द कॉपर ऑप्शन जेड एन एस प्लस सी यू सी एल टू एड एन गिवरेज टू जेड एन सी एल टू ए क्यू या सी यू एस आपको करना है अब लॉन्ग आंसर देखिए इसके अंदर से वॉट हैपन्स इफ डिल्यूट हे सी एल इज एडेड टू जिंक एक्सप्लेन द प्रोसेस विद द वॉट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट इज दिस वो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द प्रोसेस बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन क्या दे रेखा है यहाँ पे जेड एन एस एक बैलेंस आपको करना है ये पढ़ लीजिए ये पढ़ के आपको बैलेंस करना है नेक्स्ट एट वाला देखिए वॉट हैपन्स वेन एन वेन एन एक्वेज सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ एन एक्वेज सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड वो राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन प्लेस नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच कर स्टेड द फिजिकल कंडीशन ऑफ रिए रिएक्शन विल नॉट टेक ए प्लेस नेक्स्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंगशन ऑफ हीट ऑन कैल्शियम नाइट्रेट टू सी एन ओ थ्री ओ टू यहाँ पे टू दे रखा है देखिए गिवराइज टू सी ए प्लस फोर एन ए टू प्लस ओ टू अब इससे आने वाले और क्वेश्चन है देखे यहाँ पर How many moles of NO2 are formed when a molecule of 2CA no 2 CaNO32 is decomposed? What is the volume of NO2 produced when 164 grams of cano A or bracket O2 is heated at a constant temperature and pressure? Calculate the mass of the calcium oxide formed when 82 grams and cano NO3O2 is heated. What is the quantity of C A? एन ओ थ्री एंड ओ थ्री रिक्वायड टू प्रोड्यूस मॉलिक्यूल एस प्रोडक्ट हो गया अब इससे रिलीज होने वाले ऑब्जेक्टिव वाले. कौन से होंगे गैस लिबरेटेड इन द एक्सपेरमेंट एलो द बर्निंग स्पेक्टर टू कंटिन्यू बर्निंग मोर ब्राइटली इन इट्स प्रजेंस द गैस इज ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन डईआक्साइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रॉन्ग कौन सा कनवर्से कन्वर्शन ऑफ मिलक इन टू कर्ड ए केमिकल चेंज एडिशन ऑफ वाटर टू क्विक लाइम लैबरेटेड हीट एनर्जी एडिशन ऑफ ए इक्वेसन एन ए टू एस ओ फोर सो एक्व बी ए सी एल टू फॉम्ड क्लियर सोल्यूशन कैलशियम ऑक्साइड प्रोड्यूज यहाँ पे कलरलेस सोल्यूशन वेन डिजॉल्व इन वाटर इंडिकेटेड साल्ट जिंक ग्रेन्यूल्स नॉन मेटल ब्रास टेन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कॉन्टेन मॉलिक्यूल्स, इफ टू ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कॉन्टेन सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन पावर ऑफ ट्वेंटी थ्री मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या होगा थ्री पॉइंट जीरो वन इंटू टेन पावर ऑफ ट्वेल्व थ्री पॉइंट जीरो इंटू टेन ऑफ ट्वेंटी फोर सिक्स पॉइंट टू जीरो टू इंटू टेन पावर ऑफ ट्वेंटी फोर सिक्स पॉइंट जीरो टू इंटू टेन पावर ऑफ थ्री चूज द करेक्ट यहाँ पे मैचिंग करना है एम जी ओ पी पीबीओ ओ सी ओ सी ए ये फर्स्ट सेकंड कौन सा है व्हाइट येलो ब्लैक है कौन सा है इसके अंदर से क्योंकि इसके अंदर आपको मिलेगा आज हम पढ़ेंगे थर्ड लेसन एसिड बेसिस एंड साल्ट इस वाले लेसन से कौन से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए फर्स्ट सेक्शन में वेरी शॉर्ट के लिए आइडेंटिफाई स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेसिस वीक एसिड एंड वीक बेसिस एमोंग दूना है स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से स्ट्रॉन्ग बेसिस पहचानना है नेक्स्ट सेकेंड क्या दिया रखा है डस ऑल मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस इफ एस आर नो गिवन एग्जाम्पल वाई डूथ डी के स्टार्ट वेन द पी एच ऑफ माउथ इज लोअर देन फाइव पॉइंट फाइव एक हो गया उसी तरह शॉर्ट कौन से रहेंगे देखिए ये मिल्क मैन एड्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क राइट द रीजन फॉर द फॉलोइंग वाई डज ही शिफ्ट द पी एच ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम एसिड नेचर टू स्लाइटली अल्कोलाइन वाई डज दिस मिल्क टेक ए लॉन्ग टाइम टू सेट ए कर्ड उसी तरह कलेक्ट फ्यू सॉल्ट नेम एंड फिल द सुटेबल इंफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग टेबल आपको यहां पे करना है इस वाले लेसन से उसके बाद ड्राई नीड डायग्राम शोज एसिड कॉन्टेंट एच प्लस आयन अब लॉन्ग आंसर में आपको पढ़ने वाले हाउ डू यू प्रूव दैट एसिड्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वॉट इज मीन्ड बाई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो द दॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नेक्स्ट आंसर है if the ph values of solution xy and z are 13 6 and 12 respectively then which solution is strong acid y which solution contain ions along the molecules of solution which solution is a strong base y does the ph value of the solution increase or decrease when a base is added it y next answer next answer the following question by using given information ये इंफॉर्मेशन आपको देखना है ये सारा जैसा मिल्क गैस्ट्रिक जूस डिस्टल वाटर सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड दे रखा है इसके आंसर्स लिखना है विच ऑफ द एबो इज नेचुरल सोल्यूशन विच ऑफ द एबो इज यूज टू न्यूट्रलाइजेशन द एसिडिटी इज द स्टोमक विच इज द अट्रॉन्ग एसिड एमोंग द एबो सोल्यूशन वॉट इज द कलर ऑफ यहाँ पे फेनुल इंडिकेट इन द एन सोल्यूशन और इससे रिलेटेड तो आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे मल्टीपल चॉइस द पी एच स्केल वॉज इन्वेंटेड बाई द रॉबर्ट बॉयल न्यूटन सोरेंस सोरेंसन और पास इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड दी एच इन ए सोल्यूशन यूनिवर्सल इंडिकेटर पी एच पेपर स्टैंडर्ड पी एच साल और लिमिटेड पेपर कॉमन साल्ट यूज इन किचन एज वेल एज द रॉ मेटीरियल फॉर मेकिंग वॉशिंग सोडा ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग सोडा या स्लैकड लाइन यह आपको इसके अंदर से कौन सा चूज करके आपको लिखना है इफ यू एडेड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ फेनोलोफेथलिन इंडिकेटर टू एक्वे सोल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड देन इट इज टर्न इन टू पिंक रेड ऑरेंज येलो कौन सा होगा आपको चूज करके लिखना है विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट ओनली सिंथेटिक इंडिकेटर आर यूज टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द सोल्यूशन इंडिकेटर ऑफ स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेसिस इंडिकेटर आर वीक एसिड ए वीक बेसिस यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव द सम कलरफुल ऑफ डिफरेंस्यूश पीएच वैल्यूज चूज द करेक्ट आंसर यहां से आपको लिखना है यहां पे देखिए प्लास्टर ऑफ पैरिस ब्लीचिंग पाउडर बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा यहाँ पर आपको दे रखा है इससे आपको मैच करके लिखना है और उसी तरह लॉन्ग आंसर रहेंगे यहाँ पर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट कर्व सरफेस इस वाले लेसन में से इसके अंदर से आपको वेरी शॉर्ट पढ़ना है व्राइड लेंस मेकर फॉर्मूला A double convex lens has two surface of equal radii R and refractive index n is equal to 1.5, find the focal length. Third wala what happens to the image if convex lens is made up to of two different transparent material as shown in the figure. Yahan pe de rakha hai. Aur isi short. The focal length of a convex lens is two centimeter Draw the ray diagram of an object placed on principal axis at the C of lens and at the distance of 3 cm from its optic center two converging lenses are to be placed is the path of parallel rays to the to that the ray of remain parallel after passing through both lenses how should the lenses be arranged explain with a neat ray diagram draw ray diagram for the following position and explain the nature and position of image long answers here how do you experimentally that the focal length of convex lens is the creased when it is kept in water how do you find the focal length of convex lens experimentally see so, what the focal length of a converging lens is 20 centimeter and object of 2 centimeter height it at the distance of 60 centimeter from the lens where will the image be formed and what kind of image is it also find the height of the image next उट द फोकल ये भी एक आंसर है इंपॉर्टेंट आपको अब इससे रिलेटेड पार्ट बी वाले देखिए ये ऑब्जेक्टिव है सी द पिक्चर ऑब्जर्व द इमेज इमिग्रेंट रेस अब इसके अंदर से इमिग्रेट रेंस कौन सा इंसिडेंट है रेफ्लेक्टेड है रेफ्रैक्टेड है, है या डिफ्रैक्टेड है आपको पढ़ना है लिखना है यहाँ से कंप्लीट द रेड्रामग्राम आपको कम्पलीट करना है चारों में से कौन सा कम्पलीट रेड डायग्राम है चूज करके यहाँ पर आपको लिखना है उसके बाद द क्रिटिकल एंगल ऑफ ए मीडियम विद विदेक्ट टू एयर इज फोर्टी फाइव डिग्री इंडेक्स ऑफ द पॉइंट मीडियम इन द रेस्पेक्टिव एयर आपको इसके अंदर से कौन सा चूज करके लिखना है बबल्स इन वाटर एक्ट एज कन्वर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग लेंस मिरर और नॉन ऑफ दिस यहां पे देखिए ये बाई कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल इन ट्वेंटी सेंटीमीटर इट कॉटर एलॉन्ग ए प्लेन परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस सो एज टू मेक

Define electronic configuration what are the main principle uses explaining electronic configuration state them explain with the example or how are quantum numbers helpful to understand to atomic structure Okay. next the in an atom the number of electrons is n shell is equal to the number of electrons kl and m shell answer the following questions which is outermost shell how many electrons are there in the outermost shell What is the atomic number of elements? Write the electronic configuration of the elements. तो और उसके बाद यहाँ पर आपको ए टेबल फिल इन द टेबल आपको करना है यहाँ पे ऐसा ऑर्बिटर्स पी वाई पी एक आपको और इससे रिलेटेड पार्ट बी क्या होगा देखिए विच ऑफ़ द फॉलोइंग हेल्प द कन्वर्ट एन एटम न्यूक्लियर चार्ज है या मास नंबर होगा या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दैन प्लस वन वैल्यू ऑफ थ्री डी ऑर्बिटॉर्स फोर होगा या थ्री होगा या फाइव होगा या सिक्स होगा It is not possible to find the exact uh, position and velocity of the electronic yeah, pe. simultaneously. It is above principle Hans' rule, yeah, a Pulis exclusion principle, a yeah, Hasenberg uncertainly principle. The wavelength range of visible spectrum 400 nm to 500 nm, 400 nm to 600 nm, 400 nm to 700 nm, 500 nm to 700 nm. हु मॉडिफाइड बोर्स आइटमिक मॉडल बाई एडिंग एलिप्टिकल ऑर्बिट सोमरफील्ड लैंडे और गॉड स्मिथ या अनहन बैग चूज द करेक्ट आंसर है यहाँ पे वैल्यू ऑफ एन वैल्यू ऑफ एल वैल्यू ऑफ एम वैल्यू एफ एम फाइव आइए आपको यहाँ से करना है माइनस वन माइनस एल टू एल इंक्लूडिंग जीरो प्लस वन बाई टू ये आपको देख के सॉल्व करना है तो ये